सभी का स्वागत है संदीप सर क्लासेस भोपाल के अंदर। आज हम नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत शानदार ट्रिक्स हैं और हम उसको डिटेल में भी देखेंगे, बस आगे तक बने रहिएगा। पहले हम देखते हैं कि शेषफल क्या होता है, एकदम बेसिक से चलते हैं, फिर आपको ट्रिकी फॉर्म में उड़ा देंगे। मान लो कोई नंबर हमारे पास 21 है, राइट। इसको मैं 4 से विभाजित कर रहा हूं, 4 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो 4 से मैं भाग दे रहा हूं तो कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स, 5 बार, 4 पंचे 20, तो 5 से कितने बार गया, 4 से कितने बार गया, 5 टाइम्स, तो कितना आया 20, तो बचा कितना 1। ये जो 1 आ रहा है, जो बच रहा है, या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं होगा। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, यहां 20 होता, पूरा भाग चले जाएगा, तो शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा। और यहां जो 1 बच रहा है ना, तो यही तो हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर शेषफल। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है, बहुत बेसिक चीज है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज पता है, इसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 32 है और मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो 329 के ऊपर 540 की पावर, और डिवाइड करना है 328। अब इतनी पावर सॉल्व करने का शेषफल निकालना है। अब मुझे पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, बस मुझे इवन पावर देखना है, और मुझे पता है कि इस संख्या से एक छोटी संख्या, आंसर इसका 1। अब ये सारी चीजें आगे कंटिन्यू बने रहेंगी तो समझ में आएंगी। इसको पहले प्रूफ करेंगे, उसका ट्रिक देखना है। ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म, आंसर 1 आ गया इसका। अब ये कैसे होगा वो बताऊंगा, पहले समझते हैं। 32 है और 6 से मैं भाग दे रहा हूं, तो कितने बचेगा, 6 से कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स, तो कितना हो गया 30। 6 टाइम देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, कम संख्या लेंगे, तो 5 टाइम्स आएगा 30 हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो हमारा जो रिमाइंडर क्या आ गया यहां पे, 2 हमारा क्या है, रिमाइंडर। ये तो एकदम बेसिक हो गया, जो हर इंसान को यहां पे पता होगा, क्लियर, शेषफल हो गया। गेटिंग अ पॉइंट। अब चलते भाई सर ट्रिक पे, कि सर पावर 540 है और इस संख्या से डिवाइड करने का आपने बिना क्वेश्चन सॉल्व करे कैसे कर दिया। एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि आप सॉल्व करें, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये सब ऐसे हुआ कैसे, क्योंकि देखो ट्रिक कितनी, ट्रिक आपको ज्यादा याद नहीं रखनी है, आप बहुत ज्यादा ट्रिक याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो याद ऑटोमेटिक हो जाती है चीजें। समझते हैं, पहले एक एक चीज कर लेते हैं। कोई भी नंबर मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, 4 मान लो। मैंने बोला कि ये मेरे पास 6 है यार, ठीक है, 6 है मेरे पास, इसके ऊपर 2 की पावर है, क्या है, 2 की पावर है, और मैं उसको क्या कर रहा हूं, 5 से डिवाइड कर रहा हूं। देखो मेरे जितने भी लेक्चर देखो, आप प्लेलिस्ट में चले जाना, बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम कराया है, बहुत अच्छे से अलजेब्रा कराया है, लूसेंट एंड एमपीपीएससी जितने भी लेक्चर है, कॉन्सेप्ट वाइज होंगे और चीजों को बहुत अच्छे से आगे तक बन जाओगे, चीजें क्लियर आएगी। हर एक चीज के पीछे कहानी छुपी होती है, ठीक है। किसी भी नंबर के ऊपर मान लो 6 है, 6 के ऊपर स्क्वायर है, और किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 5 से, मतलब इससे कितनी छोटी संख्या, 1 छोटी, ठीक। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, और मैं क्या कर रहा हूं, 5 से डिवाइड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 36 है, 36, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, 5 से डिवाइड। 5 से कितने बार जाएगा, 5 7 35, तो 7 टाइम्स जाएगा, उससे ज्यादा करूंगा तो 40 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा 35, तो बचा कितना हमें, मतलब किससे, जैसे हमने यूनिट डिजिट पढ़ा, तो यूनिट डिजिट में मतलब है यूनिट डिजिट से, जीरो से पढ़ा तो हमें मतलब क्या है, शून्य से, जीरो से हम पढ़ रहे हैं शेष पर, तो हमें मतलब क्या है, बच कितना रहा है उससे मतलब है। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया, तो बचा कितना 1, यही तो आपका क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल, क्लियर। ये तो समझ में आ ही गया होगा सर, इसमें कौन सी विद्या है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होगा, ठीक। क्या किया मैंने, स्क्वायर और डिवाइड बाय 5, ये चीज लिख, बाद में समझना, फिर बाद में नोट्स बनाना। 2 के ऊपर 4 की पावर, 2 के ऊपर 4 की पावर डिवाइड बाय 3,
मैं छोटी छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि अभी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बड़ी वैल्यू तो मैं ऑटोमेटिक उड़ा देंगे। इसका भी आंसर वन होगा, वो कैसे होगा पहले समझते हैं। दो के ऊपर चार, दो के ऊपर चार मतलब दो कितने बार है, चार बार है, तो चार बार मल्टीप्लाई करोगे दो का तो कितना होगा सोलह, इसका मतलब क्या होगा सोलह, और डिवाइड किससे कर रहे हो तीन, मतलब इससे एक बड़ी, इसमें क्या कर रहे थे इस संख्या से एक छोटी, बाद में लिखा दूंगा, किससे डिवाइड कर रहे हो तीन से, तीन से कितने बार जाएगा पांच बार, तो कितना हो गया पंद्रह, बचा कितना एक, तो एक क्या हो गया आपका शेषफल रिमाइंडर, क्लियर। नंबर कुछ भी हो तीन ले लो, आगे तक बने रहना, अब इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट लिखा दूंगा, तीन है ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दूं, तीन है, तीन के ऊपर पावर कितनी होगी चार, और डिवाइड कर रहे हो दो से, ठीक, तीन के ऊपर पावर चार क्या होता है थ्री टाइम होता है 27, और फिर करेंगे तो 81, तो थ्री कितने बार है चार बार, तो 81 हो जाएगा, या आप लोग के लिए कि तीन कितने बार है चार बार, मल्टीप्लाई करोगे 81, किससे डिवाइड कर रहे हो दो से, दो से कितने बार चार बार, और ये जीरो, तो ये कितना हो गया 80, बचा कितना एक, कितना बचा शेषफल वन रिमाइंडर। तो मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं ये है, नंबर कुछ भी हो बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर क्या है ये दो चार, मतलब क्या है सारी पावर सम है, इवन पावर है, दो के मल्टीपल है, जब भी आप क्या देखोगे किसी भी संख्या के ऊपर संख्या कितनी बड़ी हो, पांच नंबर्स की हो, चार नंबर की हो, तीन नंबर की हो, संख्या कितनी ही बड़ी हो, नंबर कितना ही बड़ा हो, बस उसके ऊपर पावर क्या देखोगे आप इवन, उसके ऊपर पावर क्या देखोगे इवन, दो चार छह आठ, 500 की पावर है, 540 की पावर है, 1024 की पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या देखना किसी भी संख्या के ऊपर इवन पावर हो, मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो पहले समझ लो, और हमने उसे एक छोटी संख्या से भाग दिया, मैक्सिमम कोई इसमें क्वेश्चन एक ही डिफरेंस आएगा, जब जिसमें ज्यादा डिफरेंस आएगा वो भी करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा, जब संख्या पर इवन पावर हो, दो के मल्टीपल की पावर क्या हो, इस ये नंबर ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ये नंबर भी इवन है और ये ऑड है, तीन ऑड है, तो ये नंबर से मतलब नहीं, हमें मतलब क्या है पावर का सम और विषम होना, पावर क्या है सम है, इवन नंबर है, और उसे एक छोटी संख्या से डिवाइड करें तो क्या आया एक आया, पावर सम है चार भी क्या सम है इवन पावर है, और उससे एक बड़ी संख्या से भाग दिए क्या आया वन, पावर सम है और ये तीन है ना इससे एक छोटी संख्या मतलब किससे भाग दिए दो से तो क्या आया वन। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो क्या बोला, अब समझते हैं इसको, समझ में आ गई ये, चलो अब जो मैं कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं उसको देख लो। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर फाइव ले लो, फाइव नंबर ले लिया, पावर क्या होनी चाहिए इवन, क्या होनी चाहिए इवन, ये कॉन्सेप्ट, किसी भी नंबर के ऊपर इवन पावर हो और उससे एक छोटी मतलब चार, ये समझाने के तौर पर है, इधर छोटी ले लेता हूं उधर बड़ी, कॉन्सेप्ट लिखना है बस, क्या बोला किसी भी संख्या के ऊपर इवन पावर हो और उससे एक छोटी संख्या से अगर डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा वन, देखो ये पांच है, पांच का स्क्वायर, और इससे एक छोटी संख्या मतलब चार से विभाजित कर रहा हूं, पांच का स्क्वायर 25, चार से विभाजित करो चार छक 24, भाई साहब कितना बचा, दो चार एग्जांपल लिख लेना कोई समस्या नहीं है दोस्त, ठीक कितना बचा दोस्त शेषफल यहां पे वन। किसी भी संख्या के ऊपर बार बार वर्बलाइज कर लो, इतने बार बोल लो कि याद हो जाए, किसी भी संख्या के ऊपर इवन पावर हो और उससे एक छोटी मात्र एक छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा शेषफल एक, इतना समझ में आ गया भाई, कोई समस्या नहीं है, चलो ऐसे एग्जाम्पल लिख लेना है ना, आप कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8109585162, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ये समझ में आ गया कि जब कोई संख्या पे इवन पावर और एक छोटी संख्या से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा ऑलवेज वन बचेगा, ठीक। और दूसरा कोई भी नंबर हो यहां पे, पांच हो छह हो ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस में कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे पावर से, पावर सम हो, कोई भी नंबर हो पावर क्या हो सम हो और इससे एक बड़ी संख्या मतलब पांच से बड़ा क्या छह,
एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको मान लो बेस में 10 है तो एक छोटी क्या होगी, 9 से भाग दोगे तो भी एक बचेगा। यहाँ 10 है, पावर कितनी बड़ी आ जाए और उससे एक बड़ी मतलब 11 से भाग दोगे तो भी एक ही बचेगा। मैं यहाँ नंबर कुछ भी ले सकते, पावर से मतलब है संख्या कुछ भी हो, पावर अगर सम है और उससे एक बड़ी मतलब एक जस्ट बड़ी संख्या से भाग दोगे तो क्या होगा, 6 ही बचेगा, एक बचेगा, सॉरी संख्या के ऊपर इवन पावर है, एक बड़ी संख्या मतलब कितना हो रहा है 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड कर रहा हूँ एक बड़ी संख्या मतलब 6 से, 6 चौ 24 कितना बचा भाई साहब, एक। प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, कोई भी संख्या ले लो, 7 ले लो, 7 का स्क्वायर और उससे एक बड़ी संख्या मतलब 9 से डिवाइड करके देख लो, 7 का स्क्वायर 49 9 से डिवाइड करो, सॉरी 8 है ना एक बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या क्या है 8, 8 6 48 कितना बच रहा है भाई साहब, एक। प्रूफ हो रहा है ना, जो अपन लिखा रहे प्रूफ है इसका मतलब क्या, देखो कॉन्सेप्ट एक बार समझ लोगे यार एग्जाम में ना 30 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड में टिक करना रहेगा आंसर को, ठीक है। दिल्ली जैसी जगह में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, ठीक है, समझो किसी भी संख्या के ऊपर इवन पावर है और जस्ट एक बड़ी संख्या से भी अगर डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 1, ऑलवेज 1, इसमें कोई बड़ा याद रखने वाली बात है नहीं, ये सब क्या है रिमाइंडर, शेषफल क्लियर, क्या है ये रिमाइंडर, मैं याद करा दूंगा इसकी भी टेंशन मत लो, मैं याद करा दूंगा उसकी टेंशन मत लेना यार, नंबर सिस्टम तो बहुत आराम से हमने निपटाए हैं, ठीक है। एक बार यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है इसलिए मैं बता रहा हूं उसको, एक बार क्या करो याद करते हैं, ठीक है, नहीं लगना चाहिए अब यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं डायरेक्ट, कोई भी नंबर हो हमारे पास, कोई भी एक्स वाई जेड, 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, मतलब नहीं है, बस पावर क्या होना चाहिए, इवन। बार बार इसलिए बोल रहा हूं दोस्त, क्यों, क्वेश्चन में नहीं फंसना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर क्लियरिटी है, थॉट में क्लियरिटी है, बार बार कंफ्यूजन नहीं चाहिए एग्जाम में, किसी भी नंबर के बस ऊपर कितनी पावर हो, इवन पावर, क्या हो, इवन पावर, और उससे बस एक छोटी संख्या से अगर भाग दोगे तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 1, क्लियर। किसी भी संख्या के ऊपर इवन पावर है और एक बड़ी संख्या से भाग दोगे तो भी शेषफल क्या बचेगा, 1, क्योंकि हम पढ़ के रहे हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, इतना समझ में आ गया, ठीक। और इसके और भी वे हैं वो भी समझा दूंगा। अब 5, अब हम ले रहे हैं ऑड नंबर, क्या ले लेते हैं, ऑड नंबर, किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऑड नंबर है, किसी भी संख्या के ऊपर ऑड नंबर है और उससे एक छोटी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं, मैं 5 ले रहा हूं, 10 लो, 15 लो, 20 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर है उसके ऊपर क्या पावर क्या होनी चाहिए, ऑड, और उससे एक छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा तो भी शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 1, कितना आसान है यार, हमेशा शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। शेषफल बहुत अच्छे से आपको मैथ्स पढ़ना याद हो जाएगा, इसको प्रूफ करके भी देख रहे हैं ना हम, सॉल्व करके देखें कोई समस्या नहीं है। ये हो गया इवन का केस, इसका तो इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 में 1 आ रहा है, सेकंड में बस थोड़ा सा चेंज है, बस इतना ही याद रखना है। देखो जो मैंने लिखा है इसको प्रूफ कर लेते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर अगर ऑड पावर है और उसे एक छोटी संख्या से भाग जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है, 1। सर कैसे बोल रहे हो, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लो यहां पर एग्जाम्पल समझा दूं, चलो एग्जाम्पल, छोटी संख्या लो या बड़ी अप्लाई होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, मान लो 2 के ऊपर ऑड पावर है, मतलब ऑड वह संख्या होती है जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, 2 के मल्टीपल नहीं होते, वो ऑड होती है, बस मतलब विषम संख्या, यहां लिख लेना भैया, है ना हिंदी वाले, विषम, और यहां है सम, पावर सम, ठीक है ना। अगर किसी नंबर के ऊपर विषम पावर है उससे एक छोटी संख्या मतलब 1 से भाग दे रहे हो, ये कितना हो गया भाई साहब, 8, किससे भाग दे रहे हो, 1 से, चलो दूसरी संख्या ले लो, 1 से भाग मत दो वो कोई बात ही नहीं होती है, कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो,
तीन का क्यूब ले लो, ऑड नंबर है और उससे एक छोटी मतलब दो ले लो, तीन का क्यूब क्या होगा 27, और दो से भाग दे रहे हो छोटी संख्या, किसी भी संख्या के ऊपर ऑड पावर उससे एक छोटी संख्या, मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए एक का, दो से भाग दे रहे हो कितने बार, दो से एक बार गया, कितने बार ये गया, बचा कितना सात, सात से कितने बार, दो से कितने बार जाएगा तीन बार, दो तीन छः, कितना हो गया छः, तो कितना बचा एक, एक ही बचा कि नहीं बचा बताओ, वहीं पे भी कर सकते थे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ओके वहीं कर लो, ये दो हो गया और कितने बार गया 13, तो 26 हो गया ना, तो कितना बचा एक, क्या बचा शेषफल, रिमाइंडर कितना बचा, हो जाता है ना जल्दी जल्दी में सीखने से मतलब रखो, शेषफल, शेषफल कितना बचा एक, क्लियर क्लियर है, इतनी चीजें यहां तक कोई समस्या, और एक हाथ वो देख लो, 6 का क्यूब ले लो और एक छोटी संख्या मतलब 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया 216, डिवाइड किससे कर रहे हो 5 से, मतलब एक छोटी संख्या से, 5 × 20 बचा कितना एक, और यहाँ कितना बचा 6, 5 से कितना बार तीन बार मतलब 15, कितना बचा एक, तो बच रहा है ना एक ही बच रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना नीचे तक, क्लियर है, एक सेकंड क्लियर, देखो एक बार रिपीट देख लो, अगर क्लियर नहीं दिखा होगा तो समझ लेते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर ऑड पावर है उसे एक छोटी संख्या से भाग जा रहा है, मतलब ये क्या दो का तीन छः का क्यूब क्यूब हो गया 216, 5 से डिवाइड करो 5 × 20 बचा कितना 1 और ये 6, 5 से कितने बार 3 times 15 बचा कितना एक ही बचा कि नहीं बचा बताओ, क्लियर दिख रहा है अब ओके, तो 5 से 3 बार 15 एक ही बचा शेषफल, मतलब कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि बहुत थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन करना पड़ेगा जब बहुत ज़्यादा ही इशू आ रहा है तो, बाकी नहीं करना पड़ेगा, उसे याद क्या रखना है ठीक है, एग्जाम्पल आप याद रख लेना, तो हमने क्या देखा इसमें, हमने ये देखा जब भी किसी संख्या के ऊपर ऑड पावर है विषम पावर है और उसे एक छोटी संख्या से भी भाग जाता है तो विशेषफल कितना बचता है दोस्त, 1 ही बचता है, इतना क्लियर हो गया, ठीक दिख रहा है ना क्लियर, चलो अब बात क्या हो रही है, एक बड़ी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो क्या होगा सर, किसी भी संख्या के ऊपर विषम पावर हो ऑड पावर हो और उससे एक बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो यही नंबर आपका रिमाइंडर बचता है, वही नंबर आपका रिमाइंडर बच जाता है, बात समझ में आ रही है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर विषम पावर है और उससे जस्ट एक बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो वही संख्या आपका क्या बचती है शेषफल, देखो 6 का क्यूब एक बड़ी संख्या मतलब 7 से भाग देते हैं, मान लो 6 का क्यूब है विषम संख्या है, पावर पावर विषम है ना यार, पावर विषम होनी चाहिए, नंबर कोई भी हो विषम संख्या, पावर क्या है 6 का क्यूब और एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या बचना चाहिए यही संख्या, मतलब 5 है तो यहाँ पे 6 है तो 6 बचना चाहिए, यहाँ 5 है तो 5 बचा, इसका क्यूब होता है 216, 7 से भाग दो 7 × 21 6 ही बच रहा है कि नहीं बच रहा है बताओ, वही संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है शेषफल, और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देख लो 30 ले लेना बाद में कोई समस्या नहीं है, 5 का क्यूब ले लो और एक बड़ी संख्या 6 से भाग देकर देख लो, 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाय 6, 6 × 6 = 12 जीरो लगा देना बाद में कोई समस्या नहीं हो, 5 बचा नीचे, देखो वही नंबर बच रहा है कि नहीं बच रहा है मेरे को ये बताओ आप, यही नंबर बच रहा है कि नहीं बच रहा है शेषफल में, विषम संख्या है पावर में, किसी भी नंबर के ऊपर विषम पावर है तो वही से और एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे तो यही नंबर बच रहा है, कॉन्सेप्ट बस इतना सा था आई थिंक सो, इससे आसान क्या होगा बताओ, और देख लो 3 का क्यूब और एक बड़ी संख्या मतलब 4 से, बार बार एग्जांपल करो तो याद होगा, एक टिक याद नहीं होगा, ये हो गया 27, 4 से डिवाइड कर लो, एक बड़ी संख्या ऑड पावर ऑड हो गई, कितने बार जा रहा है 4 × 5 = 20 4 × 6 = 24 है ना, 4 × 6 = 24
कितना बचा यार देखो, सात में से चार गया तीन, यही नंबर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, देखो वही नंबर आपका शेषफल बचता है। प्रूफ हो गया, तो ये होगा एग्जाम्पल। तो अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अब वो देख लो। ठीक, कॉन्सेप्ट याद रखना बस। क्या बोला, एक ही चीज अलग है बस, सारी चीजों में एक ही शेषफल बचेगा, बस अंतर यहां रखना है। किसी भी संख्या की अगर अगर विषम पावर है और उसे एक बड़ी संख्या पे अगर भाग देते हैं, तो जो बंदा है, जो भाजक है हमारा, भाज्य है, जो जिस पे भाग दिया जाता है वही संख्या बच जाती है। यहाँ पे पाँच, वही नंबर बच जाएगा आपका। क्वेश्चन करेंगे तो याद सॉल्व हो जाएगा। चलो एक बार रिपीट कर लें सारी चीज़ें, ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक समझाने में टाइम लगता है, एक बार समझ में आ जाएगी पूरे क्वेश्चन निपटा दोगे। चलो कम टू द पॉइंट, कोई भी नंबर है इवन पावर है, उसे एक छोटी संख्या से भाग दोगे तो भी शेषफल एक बचेगा। किसी भी संख्या के ऊपर इवन पावर मतलब सम पावर है, उसे एक बड़ी, बस एक बड़ी होनी चाहिए, एक बड़ी संख्या से भाग दोगे तो शेषफल एक बचेगा। ठीक है, और जो माइंड में डाउट आ रहा है सर एक का डिफरेंस नहीं आया, तो वो भी बताएंगे। किसी भी संख्या के ऊपर विषम पावर है और उसे एक छोटी संख्या से ही भाग दोगे तो एक ही बचेगा। बस अंतर यहाँ पे, किसी भी संख्या के ऊपर विषम पावर है और एक बड़ी संख्या से भाग दोगे तो यही नंबर आपका बच जाएगा। बाद में सॉल्व भी करके देख लीजिए, एग्जांपल भी हो गए, क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन फॉर्म में चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं तो आप फटाफट निपटा सकते हो, ठीक है ना, टाइम भी नहीं लगेगा। चलो ऐसे क्वेश्चन है, 6 के ऊपर 32 की पावर और डिवाइड बाय 7। सेकंड क्वेश्चन है 7 के ऊपर 540 डिवाइड बाय 8। थर्ड क्वेश्चन है 6 के ऊपर 33 की पावर और डिवाइड बाय 7। सॉल्व करें, क्या निकालना है, शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल क्या होगा, सॉल्व करो, सॉल्व करिए फटाफट। इसके बाद एक लेवल के क्वेश्चन चलेंगे। मेरी क्लास में बस इतना ही, कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पकड़ में आ जाए तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम में सोचोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बन गए क्वेश्चन सारे? चल देखो, मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर है मतलब नहीं है, पावर क्या है भाई, दो का मल्टीपल है या नहीं, 32 दो का मल्टीपल है और एक, बस अंतर कितने का जिसे भाग दे रहे हैं, एक का, एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। तो सर ने क्या बताए थे, नंबर कुछ भी हो जाए अगर पावर इवन है और एक बड़ी संख्या से भी भाग जाएगा तो भी वन बचेगा, और एक छोटी संख्या से भी भाग जाएगा तो भी शेषफल वन बचेगा, यही बताया था। इसका आंसर क्या हो गया भाई साहब, पेन लगाने की जरूरत पड़ेगी कि एग्जाम में टिक कर दोगे, कर दोगे। अच्छा इसको सॉल्व करके बता देता हूं, इसको सॉल्व कर लें, चलो कर लेते सर। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 6 में 7 का भाग जाएगा क्या, और शेषफल होता क्या है, जिससे हम भाग जाता है देते हैं ना, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, उससे छोटा होता है हमेशा शेषफल, इससे हमेशा छोटा होगा शेषफल, जिससे हम भाग देते हैं ना उससे हमेशा छोटा होगा शेषफल। ये बात समझ में आ गई, शेषफल मतलब क्या, जो हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, उससे छोटा होता है शेषफल। अगर उसके बराबर आएगा तो पूरा भाग चल जाएगा, उससे बड़ा आएगा तो वैसे वो डिवाइड कर देगा, जो बचेगा वो शेषफल कहलाएगा। इससे हमेशा छोटा होगा, देखो हमेशा छोटा होगा, इससे छोटा एक हो, दो छोटा हो, तीन छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिससे हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा होता है, इसकी मीनिंग एक्चुअली यही होती है। इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले अभी भाग जा रहा है कि 6 में, 7 का भाग जा रहा है कि 6 में, नहीं जा सकता क्योंकि छोटा है, तो उसको इतना तो बड़ा कर लो कि 7 का भाग चले जाए, तो एक बड़ा कर लो, तो 6 का स्क्वायर कर लो, क्या कर लो, 6 का स्क्वायर, क्या कर लो, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर ली सर। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। अब तो जा रहा है ना, 7 से बड़ा हो गया तो भाग चले जाएगा। अगर मैंने इसका 6 का स्क्वायर कर लिया तो यहां क्या था, 32 था, तो मेरे को यहां भी पावर क्या चाहिए, 32 चाहिए। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, ट्रिक तो ठीक है लेकिन कई बार आपको चीजें को याद रहने डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 का स्क्वायर तो लिख लिया क्योंकि 7 के बराबर लाना था, 7 से बड़ा लाना था,
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को यहाँ पावर 16 लिख सकता हूँ, 16 दूनी 32 हो गया ना भाई, जितनी पावर यहाँ है उतनी पावर यहाँ है कि नहीं है, है ना, ठीक है। और डिवाइड किससे कर रहे हो, 7 से, करके देख लो। 36 में भाग दोगे किसका, 7 का, 7 पाना 35, बचा कितना यार, एक ही तो बच रहा है ना, चलो यहाँ देख लो सॉल्व करके, 6 का स्क्वायर 36, 7 से भाग दे रहे हो, 7 पाना 35, शेषफल कितना बचा, 1, इसकी वैल्यू कितनी बची, शेषफल पढ़ रहे हो आप, शेषफल, शेषफल यहाँ कितना बचा, 1, 1 पे 16 की पावर 1, ये हो गया सॉल्यूशन, शेषफल पढ़ रहे हो ना आप, ठीक। तो आपने इसको इतना बड़ा करना है कि भाग चले जाए, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक। ये क्वेश्चन है 7 के ऊपर 540 की पावर, पावर क्या है, 2 का मल्टीपल है ना, भाग जाएगा 2 का, हाँ, इसका मतलब क्या है, सम पावर है, और 7 से जस्ट एक बड़ी संख्या से भाग जा रहा है, इसका भी आंसर क्या हो गया, शेषफल 1। तो सर ने क्या बताए थे, जब कोई संख्या के ऊपर पावर सम हो और एक बड़ी संख्या से भाग भी जाएगा तो भी 1 हो, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको इतना तो बड़ा कर लो कि 7 का भाग चल जाए, 8 का भाग चले जाए, अभी 7 ही भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कर लिया, 540 को क्या लिख सकता हूँ, ये तो स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं कितना कर दूँ, 270, 27 दूनी 54 होता है, 0 लगा लिया, और 8 से भाग देना है, 8 से बड़ा हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 से भाग दे दो, 8 48, 6 टाइम गया 48 आ गया, बचा कितना, 1 बचा ना यार, बस यहाँ रख दो 1, 1 के ऊपर 270 की भी पावर होगी तो क्या बचेगा, शेषफल 1, क्लियर। इतना कौन करेगा, आपको जो कॉन्सेप्ट बता दिया उसी में उड़ा देना है यार, यहाँ तक कोई समस्या है। और एक तरीका देख लो, मेरे क्लास के स्टूडेंट जो लोग भोपाल कोचिंग में पढ़ चुके हैं, ये तरीका उन्हें भी नहीं पता है, तो आप लोग ये चीज़ भी ज़रूर देखना, ठीक हो। देखो एक तो होता है शेषफल, अभी भाग जा रहा है क्या 6 में, अभी भाग 6 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो हमने क्या किया, इसको बड़ा कर लिया, स्क्वायर कर लिया, 36 कर लिया, तो 7 से 5 बार गया 35, एक पॉजिटिव शेषफल है। अब नेगेटिव शेषफल क्या होता है, नेगेटिव मतलब जब ये 6 7 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब कितना कम है, एक कम है, 7 से कितना कम है, 6, एक कम है, तो भाग जा रहा है तो क्या बच रहा है, -1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो समझो, भाग दे रहे हैं 6 में तो जाएगा क्या, 7 का, 7 का भाग दे रहे हैं 6 में जाएगा भाग, नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना कम है, माइनस, एक कम है तो हमने -1 लिख लिया, कितना कम है ये, एक कम, तो जब बचा कितना रहा है, -1, कितना बच रहा है, -1 ना, 32 की पावर, -1 है और 32 की पावर है, तो पावर क्या होगा, सम हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा। देखो भाग जा रहा है कितना कम है, जितना कम है उसको माइनस ले लेना, ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, कितना कम है, एक कम है, जरूरी नहीं याद रखने के लिए बता दे रहा हूं, कितना कम है, एक कम है, जितना कम है उसना माइनस में ले लो बस, आगे सॉल्व करने की, माइनस है, पावर कितनी है, 540 पॉजिटिव पावर है, तो क्या होता है, -1 × -1 क्या हो जाता है, +1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, +1 आ जाएगा, कितना कम है यार, एक कम है। इसको पहले डिटेल में देख लो फिर समझाता हूं, क्या बताया था सर, किसी भी संख्या के ऊपर विषम पावर है कि नहीं, 2 का मल्टीपल है क्या 33, नहीं है, विषम पावर है, किसी भी संख्या के ऊपर विषम पावर हो और छोटी है कि बड़ी, बड़ी संख्या, इससे छोटी से जाता तो वह नहीं बचता है, और जब बड़ी से भाग जाता है तो क्या बचता है, यही संख्या जिसको डिवाइड करते हैं ना, जिसको डिवाइड करते हैं वही संख्या बच जाती है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि जब किसी संख्या के ऊपर विषम पावर हो, ऑड पावर हो, और उससे एक बड़ी संख्या से भाग जाते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर 6, यही नंबर हमारा क्या बचता है, शेषफल, ठीक है। 6 क्या बचेगा, शेषफल, सॉल्व कर ले इसको, चलो कर लेते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं, 6 क्या हो गया हमारा आंसर, सॉल्व कर ले, चलो 6 के ऊपर 33 की पावर है और डिवाइड कर रहे हैं 7 से, भाग जा रहा है क्या दोस्तों, नहीं जा रहा है सर, बिल्कुल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कैसा कर ले इसको यार, इतना तो बड़ा करे कि भाग चले जाए, तो मैंने क्या कर लिया, इसको
6 का स्क्वायर कर लिया, अब मुझे पावर पूरी 33 बनाना है, तो मैंने क्या कर लिया 16, तो हो गया 16 दूनी 32, लेकिन यहाँ पावर कितनी है 33, तो मेरे को 33 चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो अच्छे से मैं बड़ा लिख दूँ, चलो इसे मिटा देते हैं ना, इधर ऊपर समझा देते हैं इसको, ठीक है कोई समस्या नहीं है, इंटरेस्ट से पढ़ना है यार, बस जैसी मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसा बस रिस्पॉन्स देना, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। 6 के ऊपर 33 की पावर है और डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब 7 से, पावर मुझे 33 चाहिए। मैं पावर को क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ में अजम्पशन का ही काम है। 6 का स्क्वायर क्यों कर रहा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट इतना तो बड़ा करूँ कि 7 से भाग चले जाए, अभी तो छोटा है। सोलह से भाग दूंगा, 16 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 हो जाएगा, और 13 से भाग कर दूंगा तो 26 हो जाएगा, सॉरी 16 से 32 हो गया, 17 से भाग दूंगा तो 34 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 34 हो जाएगा, 17 से दूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 34 हो जाएगा, 34 ज़्यादा हो जाएगा, हमें चाहिए 33, उससे कम ही करोगे ना, तो 16 से कर लोगे तो कितना हो गया, 16 दूनी 32, 33 चाहिए आपको, कितना चाहिए 33, एक बज गया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, बेस समान होती तो खाते जुड़ जाती, ये हो गया 16 दूनी 32 और एक 33, जब बेस समान है तो गुणा में मल्टीप्लाई, बेस इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई में घाते हैं, पावर क्या होती है प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये 16 दूनी 32, 32 और एक 33, भाई 33 बोला था हमने, पावर सिंप्लीफाई कर लिया। कई प्रकार कई लेवल के स्टूडेंट हैं जो एकदम बेसिक लेवल, 7 से हम डिवाइड कर रहे, इसमें भाग जा रहा है नहीं जा रहा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 से भाग दे रहे हो, 7 5 35, बचा कितना 1, रख दो यहाँ पर, इसकी जगह रख रहा हूँ 1, इसको सॉल्व कर लिए 36 को, बचा कितना पावर 16 × 6 और डिवाइड बाय 7, 1 के ऊपर 16 की पावर 1 ही रहेगी, 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 6 बचा कितना, 6 ही तो बचा यार हमारा आंसर, देखो तो क्या यार है, इतना सॉल्व करना है क्या, नहीं, किसी भी संख्या के ऊपर विषम पावर एक छोटी एक बड़ी संख्या से भाग जाएंगे तो शेषफल क्या होगा, यही नंबर बच जाएगा आपका। ठीक, क्लियर है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, तो अगर ये इतनी चीज़ें क्लियर रहेगी तो अच्छा भी लगेगा, और आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा आप लोग को, इतना कर लो कि लाइव क्लासेस हम कर पाएँ, ठीक है, और अच्छी चीज़ें मेहनत करें तो पॉजिटिव फीडबैक आप लोग का कहीं ना कहीं अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो एक उत्साह होता है कि और अच्छा परफॉर्म करें आप लोग के लिए और अच्छी चीज़ें बनाएं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने जो चीज़ याद रखनी है बस इतना, क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख गए होंगे कि पावर को सिंप्लीफाई कैसे करना है, और हमें रिमाइंडर से मतलब है तो हम रिमाइंडर कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ना बड़े लेवल पर आते हैं, उसमें सब आएगा, कॉन्सेप्ट पता है ना, तो फिर उसमें कुछ भी आ जाए आप कर लोगे, क्लियर। चलो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना था, कोई भी नंबर है इवन पावर, पावर होना चाहिए इवन, अगर एक छोटी से भाग जाएगा तो भी शेषफल एक बचेगा, एक बड़ी से भाग जाएगा तो भी शेषफल वन बचेगा, इतना याद रखना है, किसी भी नंबर पे इवन पावर है और एक छोटी से भाग जाएगा तो भी वन, इवन पावर एक बड़ी से जाएगा तो भी वन, ठीक। कोई भी नंबर है ऑड पावर है, ऑड एक छोटी से जाएगा तो भी वन बचेगा और एक बड़ी से जाएगा, ऑड पावर है और एक बड़ी संख्या से जाएगा तो यही जो नंबर को डिवाइड करें ना वही नंबर आपका शेषफल बच जाएगा, बस इतना याद रखना यार, इतना याद कर लेंगे ना, और शेषफल हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होता है, उसके बराबर भी नहीं होता, बराबर होगा तो क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल बचेगा नहीं बचेगा, लॉजिक समझना है बस। चलो 8 के ऊपर 96 की पावर है प्लस 1 और डिवाइड करना है आपको 9 से, फाइंड रिमाइंडर, सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन, 9 की पावर 84 प्लस 2 डिवाइड बाय 8 रिमाइंडर, थर्ड 15 की पावर
56, अगर समझ में नहीं आए तो बोल भी रहा हूँ ना, 15 की पावर 56 प्लस 15 15 और डिवाइड बाय 16, आए हुए क्वेश्चन है ना, फाइंड डिवाइड बाय 16 देन फाइंड रिमाइंडर, करो सॉल्व, शेषफल ज्ञात करें। बन जाएगा, बन गए होंगे सारे, सॉल्व हो गया। देखो सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसका मतलब समझ लो यार, छोटी सी बात है, मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग को नहीं पता, हर लेवल के बच्चे हैं। 8 की पावर 96 है और ये प्लस 1 है, ऐसा है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई समस्या तो नहीं है। भाग का मतलब क्या होता है, बटा, डिवाइड का मतलब होता है ना बटे में, ये ऐसा ही होता है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा अलग अलग लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दिक्कत ना हो, जो थोड़े बहुत डाउट आ रहे ना वो ना हो, इसको मैं ऐसा अलग अलग लिख सकता हूँ ना यार, कोई समस्या है क्या, बताओ, हो तो बताओ मुझे आप, मैं ऐसा लिख सकता हूँ अलग अलग, हालांकि क्वेश्चन तो एक मिनट का है कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, आंसर निकाल लेंगे, लेकिन थोड़े लॉजिक भी पता होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कहीं भी जाए आप तो रुके ना। इसका मतलब होता है भाग, मैंने कर लिया, इसको मैं अलग अलग तोड़ सकता हूं, अगर बीच में साइन है तो प्लस का, मल्टीप्लाई है तो नहीं तोड़ता, मेरे को मैंने क्या पढ़ा है, पावर है सम और एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भी वन बचता है, हम शेषफल की बात कर रहे हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस पूरे की वैल्यू वन है, नहीं, हमेशा नौ रहेगा इसके बटे में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, शेषफल पढ़ रहे हैं, नौ हमेशा बचे रहेगा, इससे भाग दी, भाग जिससे भाग दे रहे हो, जिसके जो डिवाइड जो कर रहे हो वो हमेशा बाहर रहता है कि नहीं रहता, ब्रैकेट के बाहर हमेशा डिवाइड जिससे कर रहे हैं तो रहेगा कि नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा, शेषफल तो नीचे बसता है ना यार, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा, भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, जो नहीं जा रहा है मतलब क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है, प्लस यहां पे जा रहा है नहीं, बेस समान है, भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, दो आंसर, कंफ्यूजन हो सकता है मुझे पता है, कुछ लोग को डाउट हो सकता है, कुछ लोग को डाउट हो सकता है, तो परेशान मत होना यार, इतना याद रखना है। देखो इसका मतलब क्या है, आप इसको डिवाइड काट पीट नहीं कर रहे हो, रिमाइंडर निकाल रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, नाइन अपनी जगह रहेगा क्योंकि वो भागित है तो हमेशा रहेगा, आपको शेषफल से मतलब काट नहीं रहे हो, ठीक है ना, वो हमेशा जो भाग देते हो हमेशा रहता है अपना, वो अपना काम करते रहे वहीं रहेगा, वो उसके बराबर आओगे तो काटेगा, या उससे बड़ा आएगा तो आप डिवाइड कर देंगे मतलब काट देगा, उससे छोटा रहेगा तो नहीं काटेगा, अब एक आ गया नहीं काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, वो रहेगा एक और एक दो, तो दो शेषफल हो गया, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, ये वैसे कुछ बहुत सारे बच्चों को पता है, आई नो, सॉल्व करना है तो 8 की पावर 96 प्लस 1 है और डिवाइड कर रहे हो 9 से, पहली बात तो पावर सम है और एक बड़ी संख्या मतलब शेषफल 1, शेषफल से मतलब, और ये 1 भाग जा रहा है कि 9 का नहीं जा रहा है, तो 1 और 1 2, ये हमेशा 9 बाहर बैठा है काटने के लिए, जैसे इसके बराबर आओगे काट जाए काट देगा, जैसे इसके ज्यादा जाएगा, अगर इनका सम 10 आता तो काट देता डिवाइड कर देता, अगर इसका सम 9 आता तो 9 से 9 जाता तो बचता क्या, नहीं जाता, छोटी छोटी गलतियां आगे हो सकती क्वेश्चन में, पहले प्रिपेयर करा रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है कि यहां से डेवलपमेंट चाहिए, एग्जाम उसी की निकलेगी जो डेवलप्ड होगा, ठीक है, तो दो दो में भाग जाएगा 9 का नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है मतलब क्या है, ये दो रिमाइंडर शेषफल, प्लेलिस्ट नाम पर क्लिक करें या फोटो में क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी आपको आ जाएगी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट आपके पास एलजेब्रा की है, एलजेब्रा पूरे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, एपी मतलब समांतर श्रेणी, आए हुए क्वेश्चन, नंबर सिस्टम की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान, एमपीपीएससी सारी वीडियो पढ़ा मैं ही रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे एक स्टूडेंट को जरूरत होती है उसको ज्यादा लॉन्ग टाइम याद रह सके, जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं, ठीक है ना, इसको और क्या सॉल्व कर सकते हो, 8 की पावर 96 थी और डिवाइड किससे, प्लस 1 और ये 9,
मैंने क्या बताया था, भाग दे रहे हो कितना कम है, एक कम है, अगर कम है तो माइनस वन ले लो, और पावर कितनी 96, और ये प्लस वन है, इसे भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, सम पावर है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन टू, ऐसे भी कर सकते हो ठीक। और क्या कर सकते हो, सारे वे पता होने चाहिए, 8 का स्क्वायर इतना बड़ा कर लो कि भाग चले जाए, इतना करो कि भाग चला जाए ठीक है। उसको और कितना लिख सकते हो, 3 4 और 8 ठीक है, 48 डिवाइड बाय प्लस वन भी है ना, प्लस वन और 9, 48 लिख सकता हूं मैं इसको, हो गया ना 96, 16 6 4 8 और 1 9 कितना हो गया 64, 64 को डिवाइड करोगे 9 से, 9 7 63 63 बचा कितना, एक ही बचा ना यार, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे भाग जा रहा है 9 का, नहीं 112, कई वे हो सकते हैं, क्लियर दिख रहा है ओके ठीक है ना। तो इतने तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, अब तो खत्म कर दोगे क्वेश्चन, पावर क्या है, सम 2 का मल्टीपल है और एक छोटी संख्या से जा रहा है तो भी शेषफल, इसका तो 1 हो गया, शेषफल हो गया, 2 में भाग जाएगा 8 का नहीं जाएगा, तो ये 2 है, 2 और 1 3, 3 हो गया आपका आंसर शेषफल, भाग जा रहा है 8 का नहीं जा रहा है मतलब शेषफल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलतियां करवा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलतियां करा देते हैं, नीचे तक क्लियर दिखेगा, ऊपर सॉल्यूशन करवा दे रहा हूं इसका मैं ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलतियां करा देते हैं तो अच्छे से देखना है। एग्जाम लेने का मतलब है माइंड का आईक्यू लेवल चाहिए, उसको कम टाइम के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आप लोगों का। इसका सॉल्यूशन देख लो, 15 के ऊपर 56 की पावर, प्लस का 15 है और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 16 ठीक है, बहुत अच्छा है। और मुझे पता है कि आप लोग आंसर निकाल लिए होंगे, आई नो, लेकिन जो गलतियां होंगी उसको देख लेना ठीक है। देखो यार, शेषफल का मतलब क्या होता है, जो भाग दे रहे हैं ना जिससे, उससे छोटा ही रहेगा, एक हो दो हो दस छोटा हो उससे छोटा ही रहेगा, उसके बराबर जैसे होगा, अगर मान लो यहाँ 16 होता 15 की जगह और डिवाइड कर रहे हो 16 से, 16 से 16 चले गए तो बचा कुछ क्या, नहीं, भाग एक बार जाएगा वो बात अलग है, भाग एक बार जाएगा नहीं बचेगा कुछ नहीं, हमें मतलब क्या बचने वाले शेषफल से। 15 के ऊपर कितने की पावर है, सम पावर है और एक बड़ी संख्या से मतलब 1, शेषफल क्या हो गया 1, सम पावर हो गई ना यार, और एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे 1 प्लस, 15 16 से छोटा है ना, 15 जो है 16 से छोटा है, मतलब क्या है, इसके लिए शेषफल है 15। अब लेकिन इन दोनों का प्लस करके क्या हो गया 16, तो भाई साहब वो बाहर तो बैठा ही है ना, आपका वेट कर रहा है, मेरे बराबर होगी तो मैं काटूंगा। अगर आपने इसका शेषफल 1, इसमें भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर तो 16 बना दिए, इसके बराबर आ गए, वो तो बाहर बैठा ही है, तो ये 16 जैसे होगा, इसको काट देगा, जब पूरा चला गया भाग तो बचा क्या कुछ, 0, शेषफल क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन में गलतियां हो सकती है, कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूं तो आप लोग के लिए ठीक है। तो गलतियां बिल्कुल नहीं करना, अगर प्लस होने के बाद जो डिवाइड करने वाला है उसके बराबर अगर आ गया या उससे बड़ा हो गया तो बाहर काट आएगा, जैसे बड़ा होगा तो वो काट देगा ठीक है ना, उस नंबर से अगर बड़ा हो जाएगा तो काट देगा, क्लियर। 13 की पावर 68, 13 की पावर 68 प्लस का 20, अच्छे से करना क्वेश्चन। अब कल 12 बजे एग्जैक्ट आपको ये क्लास मिल जाएगी ठीक है ना, कल 12 बजे एग्जैक्ट। होमवर्क है 7 की पावर 90 माइनस 1, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 8, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन तो मिक्स आ सकते हैं बाद में, कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन मिक्स दे दे, मल्टीप्लाई में दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये होमवर्क है ना, 1 2 3 कर लो। प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, कंफ्यूज होना की जरूरत नहीं, रैंडमली वीडियो नहीं मिलेगी आप लोग को, लास्ट पेज पे भी आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
13 है ना, 30 नहीं है, क्वेश्चन मार्क 13 है ना, 13, ठीक है। क्वेश्चन ठीक, ये चार क्वेश्चन है जिसमें रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। गलती मत करना, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता। आप माइनस लेते हो लेकिन उसको पावर में लाकर सही कर लेते हो, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। संख्या जब पॉजिटिव है तो रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता। आप वो सॉल्व करने के लिए आप ट्रिक ले रहे हो, बात अलग है, समझना है बात को। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है दोस्त, बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट क्वेश्चन इतने तरीके से कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, बस मेरी क्लासेस देखना। आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बातें आपको अच्छी लगेगी। एलजेब्रा प्लेलिस्ट, जो जो प्लेलिस्ट बन गई है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट डली हुई है, लूसेंट सामान्य ज्ञान आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिस्ट्री है ना, MPPSC सारी चीज़ें आप लोग के अकॉर्डिंग मैंने करवाई है मेंस लेवल पर, ठीक है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। मेरा काम है मेहनत करना, बिल्कुल अपनी तरफ से 100% दूंगा। आपको बिल्कुल अच्छा लगता है तो सारे होमवर्क करें, और नेक्स्ट वीडियो कल 12 बजे डल जाएगी एग्जैक्ट टाइम पर। एंड थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।